पल आएंगे, शामें गुजरी हैं तो दिन भी गुजर जाएंगे। इसी विषय पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बड़ौदा के विद्यार्थी हमारी प्राचार्य माननीय श्रीमती रजनी तनेजा मैडम और हमारे संगीत शिक्षक माननीय श्री गोविंद सर मकवाना के निर्देशन में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में इस गीत की रिकॉर्डिंग हम छात्रों द्वारा अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर ही की गई है, तो प्रस्तुत है यह गीत। इस गीत के शब्द हैं, यह वक्त न ठहरा है, यह वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसे। Completion of our chapter, the junk seller, we have 15 questions and we have we will try to solve all the questions, all the word problems. So first of all, you see first question, if price of one chocolate is rupees 10, what is price of 5 chocolates is equal to question mark. So 5 multiplied by 10. Okay, 50. We can add also like 5 chocolates. First chocolate 10 plus 10 plus 10 plus 10 5 times. Okay. But short method is 5 times 10. Your quiz start. Everyone ready? आज की जो properties हम पढ़ने वाले हैं वो है angle sum property एंड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अभी पढ़ेंगे। और ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये आपका 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का यही कॉन्सेप्ट है। 3.1 क्वेश्चन 4 इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा है कि जब हम एंगल का सम कर रहे हैं, सो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल से उनका जब हम सम कर रहे हैं तो वो सम कितना आएगा, इट वुड बी हाउ मच। तो इसके लिए तो पहले हम लास्ट ईयर का रिकॉल करते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 7th में कि जो भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अब आज हम बात कर रहे हैं पॉलीगन की। This is my place value game. T
385. हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष शुक्ला। आई एम फ्रॉम KVAFS नलिया गुजरात एंड आई एम गोइंग टू शो अ प्रेजेंटेशन ऑफ माय आइडिया विच इज़ फॉर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक 2020-21। सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कंबाइन ऑक्सीजन प्यूरिफाइंग प्लांट, डेट इज़ COPP कॉप। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर मैनेजमेंट। So let's see how this project work. So this project is very simple and it's need just a little effort. So in this project we want to show that we can produce drinking water and daily using tap water at the same time by combining wastewater treatment plant WWTP and RO plant together to build the combined oxygen purifying plant. मैंने अपना lockdown के समय कैसे बिताया? नमस्ते, मेरा नाम ध्रुवी कुमारी है। मैं कक्षा दूसरी अ की छात्रा हूँ। फरवरी मार्च 2020 का महीना था। खतरनाक कोरोना वायरस से होने वाली महामारी पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि इसकी ना तो कोई वैक्सीन थी और ना ही कोई दवाई। ऐसे में लॉकडाउन के अलावा भारत समेत कई देशों के पास कोई और चारा नहीं बचा। यह लॉकडाउन मेरा पहला अनुभव था, जबकि मुझे घर पर ही इतना लंबा समय बिताना पड़ा कि वाह, अब तो मुझे मजे करने के लिए ढेर सारी छुट्टियां मिलेंगी। क्योंकि कोरोना वायरस घातक है और हमें लॉकडाउन में ही रहना है। नींबू और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट।
From 0 we will start, we will put a scale from 0 till 1.3 centimeters. So this is a line drawn the same way you will draw for today's class. After today's class, we will draw the same line. We will start from the 0 part and then 1 and 1.3. Same way I have done for another one, another part which is shown here, 1.8 centimeters. So we will again start from 0, 1 and 1.8. This point lies on 1.8 centimeters. Okay, so we shall move further. So this way 1.3 centimeter and 1.8 centimeter. So this is your today's part. Senses. What is the meaning of sense organs? Sense organs are the organs which help us to know and understand the world around us. हंसेंगे, वील डू लाफिंग योगा, थ्री तक काउंट करूंगी मैं, सभी रेडी हो जाइए, ओके, वन, अभी नहीं, वन, टू, थ्री, स्टार्ट. और जोर से हंस
सो और जोर से लाउड। प्रस्तुत कहानी ली गई है सुप्रसिद्ध पुस्तक जीत आपकी में से, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अकलमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज के हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। You have to complete this exercise, okay? Today, in this exercise, we will read out the poem, understand, and then we will answer the questions given below this, okay? In the form of questions, they have given you tick right or wrong. Okay, in tick right or wrong, we have to tell whether the sentence given is right or wrong related to the poem. Okay, so let me read out the poem. You all listen carefully. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. दिन रात चुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बादल भैया बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ
them to help them. Can I help you? This is the table, okay, and this is the structure of the table, and I'll show you the records also. So I'll write a simple query to show you records. DNA extraction by using banana. Then 1 tablespoon of dishwashing liquid is a must. Of water into that
and then you will need to add 1 tablespoon of salt. Alright, so 1 tablespoon of salt goes into that. Now what you have to do is blend the contents